हेलो फ्रेंड, मैं हूँ संध्या और आज हम बनाने वाले हैं काऊ मिल्क से बहुत ही स्पंजी रसगुल्ला। इसके पहले भी हमने दो रसगुल्ले की वीडियो डाल रखी है, बट आज हम काऊ मिल्क से रसगुल्ला बहुत ही स्पंजी बनाएंगे। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1 लीटर काऊ मिल्क ले लिया है और इसको हम एक भगोने में डाल देते हैं और इसको गर्म करने के लिए हम गैस पर चढ़ा देते हैं। इसमें बस बॉयल आने तक उबालना है। तब तक हम नींबू का पानी बना देते हैं। हमने 1 नींबू का रस को आधा कप पानी में बना लिया है। तो अब हमारा ये दूध अच्छी तरीके से उबल गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे। दूध ठंडा हो गया है तो अब हम धीरे धीरे ये डाइल्यूट किया हुआ पानी को हम डाल देंगे। आप चाहे तो विनेगर का भी पानी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे ही हम इसको डालेंगे, एक साथ हम इसको नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे और हल्के ही हाथों से हम चला करके इसको फाड़ेंगे। अब हम सभी को डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा कितना अच्छा ये छेना फट गया है। तो अब हम इसको मलमल के कपड़े पे से छान लेते हैं। सभी को हम डाल करके छान लेंगे और अब हम इसको ठंडे पानी से धुल लेंगे ताकि इसकी नींबू की खटास पूरी निकल जाए। इसको हम 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धुल लेंगे। अब हम इसको चारों तरफ से पकड़ करके इसको हल्का सा हाथों से निचोड़ लेंगे। ज़्यादा हमें तेज नहीं निचोड़ना है और अब हम इसको इसी छन्नी में रख करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद हमारा छेना बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगा। अब हम इसको हाथों से क्रम्बल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम मसलेंगे। हम इसको कम से कम 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसलेंगे। ज़्यादा हमें तेज हाथों से नहीं करना है और हथेली के पाम से हमें इस तरीके से मसलना है। अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे। आप चाहें तो अरारोट या कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छा हमारा गोली बन गया है। इसमें क्रैक बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए। आप छोटा या बड़ा रसगुल्ला बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसी तरीके से हम सभी रसगुल्ले को बना लेते हैं। हमने सभी रसगुल्ले को बना लिया है। ये छोटा रसगुल्ला हमने बनाया। अब हम इसके लिए 1 कप चीनी लेंगे और 5 कप हम पानी लेंगे। जिस कटोरी से हम चीनी लेंगे उसी कटोरी से हम पानी लेंगे। अब हम इसे गैस पे चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए और 1 उबाल आने तक हम इसको उबालेंगे। हम इसमें 2 इलायची थोड़ा सा क्रैक करके डाल देंगे फ्लेवर के लिए। पानी उबल गया है तो अब हम इसमें छेने के बॉल्स को धीरे धीरे करके डालेंगे और हाई फ्लेम पे हमें इस पानी को उबलते रहने देना है। सभी छेने के बॉल को हमने चाशनी में डाल दिया। 2 मिनट तक बिना ढके हुए हम इसको पका लेंगे हैं। 2-3 मिनट के बाद ही हम इसको ढक करके 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, 15 मिनट के बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं। हम पानी लेंगे एक बाउल में। पानी में अगर तैर नहीं रहा है तो हमारा रसगुल्ला बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना स्पंजी हमारा रसगुल्ला बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही रसगुल्ला रसीला बना है हमारा। हम रसगुल्ले को चाशनी में डाल देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सभी रसगुल्ले को हमने ठंडा कर लिया है तो अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए कितना हमारा स्पंजी रसगुल्ला बन करके तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा इसका शेप भी आया। आप चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारे इस रसगुल्ले की रेसिपी? तो आप भी काऊ मिल्क से भी रसगुल्ला बहुत आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप 1 लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।